हे गाइस नमस्ते, केम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोमिनार के 250 सीसी की वेरिएंट्स के बारे में। जी हाँ, अभी ये बाइक बहुत ही चर्चे में है मार्केट में। तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इंजन का पावर आउटपुट क्या है, क्या प्राइसिंग है, क्या माइलेज है, तो सभी के बारे में ए टू जेड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने है बजाज डोमिनार 250 सीसी और यहाँ पे बाइक का लुक बहुत ही बल्कि बनाया है। और यहाँ पे पीछे आपको 250 सीसी का बेंचमार्क देखने को मिलेगा और यहाँ पे टैंक पे आपको डोमिनार का बेंचमार्क देखने को मिलेगा। कोई स्टिकर वगैरह नहीं है, 3D लोगो टाइप बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं फ्यूल टैंक की, तो आपको इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। तो अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो 250 सीसी का आपको इसमें सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC टाइप का इंजन मिलने वाला है। तो इंजन पावर आउटपुट की अगर हम बात करें, तो 26.6 BHP एट 8500 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें 23.5 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM पे मिलेगा। और यहाँ पे DTSI का बेंचमार्क, मतलब कि ये बाइक डिजिटली ट्विन स्पार्क इग्निस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो इंजन का पावर आउटपुट और टॉर्क काफ़ी अच्छा है। तो यहीं से आप अपने कूलेंट वगैरह का क्वांटिटी कितना है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे आप पीछे की ब्रेक का, ऑयल वगैरह का भी और यहाँ से देख सकते हो इंडिकेशन कि कितना ऑयल है कि नहीं है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह जो भी क्वालिटी यूज़ किया गया है वो बहुत ही प्रीमियम है, क्योंकि ये डोमिनार 250 सीसी है। तो यहाँ फ्रंट से देखते हुए तो बाइक का लुक बहुत ही अग्रेसिव बनाया गया है, तो एक रेसिंग टाइप बाइक जैसा आपको दिखेगा, इसमें फील आएगा। और यहाँ पर अगर हेडलैम्प्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपको इसमें LED हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, तो लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और सब कुछ यहाँ पे ब्लैक थीम पे बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो साइड लाइट इंडिकेशन वगैरह भी आपको इसमें LED टाइप ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक टाइप मिलने वाला है विथ 135 mm ट्रैवलिंग के साथ। तो ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा है सस्पेंशन का, तो आपको छोटे मोटे गड्ढे बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे अगर फ्रंट व्हील की बात करें, तो आपको इसमें एलॉय व्हील्स मिलेंगे। तो कंपनी इसमें 17 इंच के ट्यूबलेस टायर ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे हॉर्न वगैरह और साइड में आपको एक छोटा सा रेडिएटर भी देखने को मिलेगा। जो भी अरेंजमेंट है इसमें वो काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। तो यहाँ बैक से देखते हुए बाइक को, तो बाइक काफ़ी हैवी लग रहा है। और यहाँ पे आपको टेल लैम्प्स, तो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन वाले टेल लैम्प्स यहाँ पे, और टेल लैम्प्स और साइड लाइट इंडिकेशन आपको इसमें LED मिलने वाले हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सब कुछ इसमें LED है। और यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम, तो बहुत ही अच्छा साउंड है इसका, तो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। और अगर यहाँ पे पीछे के व्हील की बात करें, तो इसमें भी आपको 17 इंच का एलॉय व्हील्स मिलने वाला है और साथ में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। लेकिन ये बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलने वाला है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी इसका काफ़ी बढ़ गया है। और ड्यूल चैनल ABS है मतलब हमारा सेफ्टी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ब्रेकिंग वगैरह बहुत ही परफेक्ट है इस बाइक का। तो अगर यहाँ पे इस साइड से देखते हुए बाइक को, तो बाइक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है।
आपको बजाज की कोई भी बाइक इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाली नहीं देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा क्वालिटी इस बाइक में, जो भी केबल्स, जो भी क्लच लीवर, जो भी मिरर्स, प्लास्टिक वगैरह जो भी यूज़ किया गया है वो बहुत ही प्रीमियम यूज़ किया गया है। और सीट्स वगैरह का भी कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, सॉफ्टनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बाइक का सीट हाइट आपको 800 mm है, तो हाइट्स वगैरह भी ओके है इस बाइक में। तो यहाँ पे इस बाइक के अगर गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो आपको इसमें 6-speed का गियर बॉक्स मिलेगा। तो इसमें आपको 6-speed का गियर बॉक्स तो मिल ही रहा है, साथ में आपको विथ स्लीपर क्लच सिस्टम के साथ मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें यूज़ किया गया है, वो बहुत ही एडवांस है। तो अगर स्पीड की अगर बात करूँ तो 0 to 100 ओनली 10 seconds में ये पिकअप कर लेती है, मतलब इसका पावर पिकअप बहुत ही ज़्यादा है। और अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो इसमें 132 का टॉप स्पीड है। तो साथ में यहाँ पे इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इसमें 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर बाइक की अगर ओवरऑल क्वालिटी और जो बिल्ड क्वालिटी और जो भी लुक्स है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही परफेक्ट है। आप देख सकते हो कि बहुत जगह पे जो कर्व्स दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं, और जो भी फिटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे किए गए हैं, जो भी नट बोल्ट्स वगैरह जो भी यूज़ किया गया है वो बहुत ही परफेक्ट। तो अगर हम मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते हैं तो बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन बहुत सारी डिटेलिंग्स के साथ दिया गया है। जैसे कि आप स्पीड और टैकोमीटर वो दोनों आप डिजिटली देख सकते हो, और दूसरी चीज़ आप किलोमीटर्स कितने राइड हो चुके हैं हमारे वो भी डिजिटली देख सकते हो, साथ में टाइम देख सकते हो और फ्यूल इंडिकेशन इतनी चीज़ आप डिजिटली देख सकते हो। और जो मेन हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके नीचे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले जैसा दिया गया है, उसमें आप गियर्स का नोटिफिकेशन देख सकते हो, मतलब कि हमारा बाइक न्यूट्रल कंडीशन में है कि नहीं है। उसके बाजू में आप लो फ्यूल इंडिकेशन भी मिल रहा है, और उसके बाजू में आपको साइड लाइट इंडिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी वाइड हैंडल बार इसमें आपको देखने को मिलेगा, और साथ में आपको फ्यूल टैंक के ऊपर भी एक डिजिटल स्क्रीन जैसा दिया गया है जिसमें आप अपना बैटरी नोटिफिकेशन देख सकते हो। अगर बाइक हमारा ओवरहीट हो जाता है तो उसका भी एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, और साथ में एक साइड स्टैंड का भी नोटिफिकेशन दिया है और ABS। तो बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप यहीं से देख सकते हो, और साथ में आपको एक बजाज का लोगो भी दिखाई देगा, वो ऑल टाइम ब्लिंक होगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अगर राइट हैंड साइड के अगर हैंडल बार की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 switches मिलने वाली है। पहला हमारा इंजन कोइल स्विच का ऑप्शन है, दूसरा स्विच है जो हमारा मेन हेडलैम्प ऑन करने के लिए है, साथ में DRLs तो आपको ऑल टाइम ऑन ही रहेंगे, लेकिन ये जो हमारा मेन LED हेडलैम्प है उसको ऑन करने के लिए है, और तीसरा हमारा सेल्फ स्टार्ट करने का ऑप्शन है। तो इस बाइक में आपको कीक नहीं मिलने वाली है, तो आपको इसमें ओनली सेल्फ स्टार्ट का ही ऑप्शन मिलने वाला है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की अगर हैंडल बार की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी आपको 3 switches का ऑप्शन मिलने वाला है। तो पहला हमारा लो बीम और हाई बीम करने के लिए जो यूज़ होता है वो स्विच है, दूसरा स्विच हमारा साइड लाइट इंडिकेशन के लिए है, और तीसरा हमारा हॉर्न बजाने के लिए है। तो साथ में आपको जो अगर हमारा हैंडल बार है उसके अंदर आपको जो नाइट में लाइट्स वगैरह होगी वो तो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि ये हमारे ओनली बजाज के ही बाइक्स में देखने को मिल रही है। भी हैंडल बार भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो आपको लॉन्ग टूर करने में ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होने वाला है, और साथ में जो हैंडल बार का क्वालिटी वगैरह है वो भी बहुत ही अच्छा है, और जो ग्रिप वगैरह है हैंडल बार पे वो भी काफ़ी अच्छा है। तो बहुत ही स्टाइलिश टाइप के आपको साइड ग्लास मिरर भी दिए गए हैं, तो साइड ग्लास मिरर का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन भी काफ़ी परफेक्ट है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो बहुत ही परफेक्ट इंजन है। तो ओवरऑल ये बाइक बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपको लॉन्ग राइड पसंद है तो ज़रूर ये बाइक परचेस कीजिए। We'll be right back.
कैसा लगा आपको बाइक का साउंड? बाइक का साउंड बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप बजाज की कोई भी बाइक के साथ इस बाइक का साउंड कंपेयर करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसका साउंड बहुत ही डिफरेंट है। तो साउंड तो बहुत ही अच्छा है, पिकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, मैंने अभी टेस्ट ड्राइव तो नहीं लिया है क्योंकि उनके पास एक ही बाइक अवेलेबल था। तो जल्दी से आपको टेस्ट ड्राइव का भी रिव्यू ज़रूर मिलने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर अभी हम लोग अगर प्राइसिंग की बात करें तो 1,60,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो करीबन 1,80,000 तक आपको मिल जाएगा। मतलब कि उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडिंग आ गया, RTO इंश्योरेंस टैक्सेस कुछ इंक्लूडिंग 1,80,000 में। तो 1,80,000 कुछ कम नहीं है, लेकिन ये बाइक के लिए बहुत ही परफेक्ट प्राइस रखी है। और अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो एज इट इज़ आप सब लोगों को पता है कि बजाज का वारंटी है 5 ईयर का वारंटी, या फिर 75,000 किलोमीटर तक का वारंटी आपको इसमें मिलेगा। तो कैसा लगा आज का हमारा बजाज डोमिना 250 का वीडियो? तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।